क्या दोस्तों आप भी अपना फेसबुक अकाउंट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रिमूव करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने फेसबुक अकाउंट को रिमूव करते हैं बहुत इजीली, बने रहे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिंपल ट्रिक लगा के आपको अपना फेसबुक अकाउंट हटा सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। बस 2 मिनट की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को खोल लेता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलने का बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। यहाँ पर सबसे राइट कॉर्नर में अपने प्रोफाइल में क्लिक कर लेना। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 3 डॉट लाइन शो करता है, उसमें क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको अकाउंट सेंटर में मैं जाके यहाँ पर प्रोफाइल में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ इस अकाउंट। यहाँ पर फिर से बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, आपका भी मल्टीपल्स अकाउंट्स होंगे तो आपका भी शो कर रहा होगा। वो मेरे कुछ अकाउंट्स तो जिसमें से मुझे ये फेसबुक अकाउंट है, मुझे इसको रिमूव करना है। इसको क्लिक करने से यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा अकाउंट रिमूव करने का, तो कहाँ दिखाई देगा? तो बने रहे इस वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा बहुत आसान तरीके हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह करना है। तो यहाँ मैंने बता दिया अपने मेरा फेसबुक अकाउंट लिंक है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो यहाँ पर रिमूव करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करके नीचे यहाँ आपको दिख रहा होगा अकाउंट्स का, ये अकाउंट्स का यहाँ पर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग को शो करने लग गया। यहाँ पर जितने अकाउंट्स हैं यहाँ पर सारे शो करने लगे, जितने अकाउंट्स आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, तो यहाँ पर सारे शो करने लगे। आप जिसे चाहे उसे रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ मैं अपने विशाल यादव जी जो फेसबुक अकाउंट में इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रिमूव वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर रिमूव वाला को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। रिमूव को क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है रिमूव अकाउंट, मैं आपको शो करता हूँ, ये वाला रिमूव अकाउंट है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है, इसे पढ़ सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा, आपको सब जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करूँगा। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर थोड़ा लोड लेता है। अगेन यहाँ पर फिर लास्ट टाइम परमिशन आपसे मांगा जाता है कि आप सच में इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, और ये डिलीट होने में कम से कम 15 दिन का टाइम लगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो 15 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं यस रिमूव विशाल यादव जी अकाउंट को मैं अपना रिमूव कर देता हूँ। मैं यस में क्लिक करता हूँ। तो इसमें यस में क्लिक करने के बाद कुछ थोड़ी देर लोड ले रहा है। तो लोडिंग लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया है यू रिमूव्ड विशाल यादव जी, इफ़ यू चेंज योर माइंड यू कैन री एड दिस अकाउंट एट एनी टाइम। जैसे कि आपको जब अगर मन करता है तो अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन कर सकते हो, या तो इस अकाउंट को रहने दो। तो जैसे कि मैं इसको रिमूव कर दिया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आपको यही बताना था कि किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने फेसबुक अकाउंट को हटाना है, रिमूव करना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके लिए वीडियो कितना इंफॉर्मेशन था, और नेक्स्ट वीडियो किस ऊपर बनाओ, या किस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आ रही है मोबाइल में सोशल मीडियाज़ में, तो बताना मैं कॉमेंट करके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लाऊँगा।